नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। एक समय हुआ करता था जब क्लास 11th क्लास 12th के स्टूडेंट्स स्कूलिंग खत्म करने के बाद ड्रॉप लेते थे, 6 महीने का, 1 साल का, और उस ड्रॉप में वो अपने गोल्स की तरफ मेहनत करते थे, बी इट IIT, बी इट मेडिकल्स या डिफेंस ही क्यों ना हो। लेकिन डिफेंस एस्पिरेंट्स, समय के साथ चीजें बदली, समय के साथ लोगों को अवेयरनेस चालू हुई, समय के साथ इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ग्रो हुई, और आज की तारीख में अपने देश में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है और लोग बहुत ज्यादा हैं। इस चक्कर में, इस डीमेरिट ऑफ ओवर पॉपुलेशन के चक्कर में हर स्टूडेंट तक उसका गोल, जो स्टूडेंट एस्पायर करता है, वो गोल अचीव नहीं कर पाता, क्योंकि जब तक वो तैयारी स्टार्ट करता है तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है। और फिर अगर बात डिफेंस की करें तो डिफेंस में तो भैया हर चीज इज रिलेटेड टू द एज ओनली। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा क्या सही समय है नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करने का। इस वीडियो के बाद मैं आपके कमेंट्स के द्वारा जानना चाहूंगा कि क्या सही एज रहेगी एनडीए की तैयारी करने की। नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत की वो ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन जो फौज में ऑफिसर बना रही है उन स्टूडेंट्स को जो 16.5 से 19.5 साल के हैं। उम्र जरूर 16.5 से 19 है, लेकिन फॉर्म भरने की उम्र 15.5 से 18 है, क्योंकि आज अगर फॉर्म भरेंगे तो 1 साल लग जाता है एनडीए तक पहुंचने के लिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, यही रीजन है कि नेशनल डिफेंस अकेडमी दुनिया का एकमात्र ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जो 11th के बाद दिया जा सकता है। अगर 11th के बाद एनडीए दिया जा सकता है तो लॉजिक ये कहता है कि क्लास 11th से ही एनडीए की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और इसी के साथ आज मैं अभिनव मेहरोत्रा आपसे बात कर रहा हूं एनडीए फाउंडेशन कोचिंग के बारे में। आप में से बहुत लोग जो मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी मुझे सुन रहे होंगे, वो ये जानना चाहते हैं कि भाई एनडीए फाउंडेशन कोचिंग दिल्ली में हम कहां कराएं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी दिल्ली, जो कि लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के ठीक सामने है, वो अपने प्रोडक्ट बास्केट में सबसे प्रीमियम कोर्स लाता है एनडीए फाउंडेशन कोचिंग। एनडीए फाउंडेशन कोचिंग का लॉजिक कहां से आया मैं यह समझाता हूं। नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 स्टेजेस होती हैं जो क्रॉस करनी पड़ती हैं। पहला रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा SSB इंटरव्यू, तीसरा मेडिकल्स। रिटन एग्जामिनेशन UPSC कंडक्ट कराता है, जिसका पहला पेपर मैथ्स का होता है। मैथ्स में 120 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 55% कोर्स क्लास 11th का है, 45% कोर्स क्लास 12th का है। फिर दूसरा पेपर GAT आता है, जिसमें इंग्लिश की ग्रामर है, जो अप टू 12th की ग्रामर आती है। उसमें फिजिक्स है जो 11th-12th का है, केमिस्ट्री बायोलॉजी है जो क्लास 10th तक का है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है जो क्लास 10th तक का है। यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में 10th का कोर्स पूछा जा रहा है, 11th का पूछा जा रहा है, 12th का पूछा जा रहा है। और इन तीनों पे अगर हमने ढंग से काम कर लिया तो नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी हो सकती है, ना ही हो सकती है, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई हो सकती है, गोल ओरिएंटेड पढ़ाई हो सकती है। क्योंकि डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप क्लास 11 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी 2 साल उस बंदे से ज्यादा मेहनत कर चुके हैं जो 12th के बाद ड्रॉप ले रहा है। तो ऑलरेडी इस रेस में आप 2 साल आगे हैं। और इसी लॉजिक के साथ अलाहाबाद ब्रांच, देहरादून ब्रांच और रांची ब्रांच में सक्सेसफुली फाउंडेशन कोर्सेज से रिजल्ट निकालने के बाद अब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी दिल्ली ब्रांच क्लास 10th पास स्टूडेंट्स को 2 साल का फाउंडेशन कोर्स देगा। इस 2 साल के फाउंडेशन कोर्सेज में हम आपके 11th की पूरी की पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाएंगे। बिकॉज एनडीए के थ्रू आप आर्मी में नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं, यानी कि अगर आप 11th-12th में नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो भी आप एनडीए में जा सकते हैं। इसी लॉजिक से हम 2 बैचेस चला रहे हैं, पहला बैच मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा बैच नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए। इन बच्चों को हम 2 साल के लिए अपने पास रखेंगे। इस 2 साल के बैच में हम आपको पूरा का पूरा एकेडमिक्स की पढ़ाई कराएंगे फ्रॉम NCERT पैटर्न, स्ट्रिक्टली ऑन NCERT पैटर्न, जिसमें हम 11th का पढ़ाई
ट्वेल्थ की पढ़ाई आपके बुक से कराएंगे, साथ में नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कराएंगे। द क्लासेस वुड बी फॉर 4 आवर्स ईच डे, 4 घंटे की इस पढ़ाई में 3 घंटा अकेडमिक्स और 1 घंटा एनडीए। संडे टू संडे वुड बी डेडिकेटेड टू फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग, जहां हम आपके फिजिकल एंड्योरेंस पे काम करेंगे, जहां हम आपके स्टेमिना बिल्डिंग पे काम करेंगे। हम ये सारे क्लासेस डिफेंस ऑफिसर्स जो खुद एक्स एनडीए रह चुके हैं उनके गाइडेंस में चलाएंगे। पहले दिन से पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करेंगे, स्पोकन इंग्लिश पे काम करेंगे, आपके बेसिक सिटिंग पोस्चर से लेके वॉकिंग पोस्चर तक सब पे काम करेंगे, बॉडी पोस्चर्स पे काम करेंगे। साथ साथ डिफेंस एस्पिरेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉक टेस्ट हमारा सीक्रेट फॉर्मूला है। मुझे पता है मैं यूट्यूब में यहां पे बोल रहा हूं, बट ट्रस्ट मी ऑल त्रिशूलियंस हु हैव गॉट सिलेक्टेड इन वेरियस अकेडमीज स्पेशली नेशनल डिफेंस अकेडमी, उनका एक फॉर्मूला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे ही क्लास 11th में हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिया मैथ्स का एग्जाम्पल के तौर पे, वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अब पिछले 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा देते हैं, एंड दैट इज हाउ त्रिशूलियंस सक्सीड इन नेशनल डिफेंस अकेडमी। 19 सालों में 570 से ज्यादा ऑफिसर्स हमने फौज को दे दिए हैं, एनडीए को दे दिए हैं। हर बैच में नेशनल डिफेंस अकेडमी के हर एक बैच में त्रिशूलियंस आर प्रेजेंट। स्टार्टेड इन ईयर 2003 बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत ही करिस्मेटिक पर्सनालिटी के साथ, एक विजन के साथ उन्होंने इस अकेडमी को फाउंडेशन दी थी। आज उसमें एक्स एनडीए ऑफिसर्स गाइड कर रहे हैं, जैसे कर्नल पंकज मेहरोत्रा, कर्नल सौमित्रो दत्त, कर्नल एएस रावत, कर्नल विनीत सेठ, कर्नल अमित श्रीवास्तव सर, सब लोग, ये सब एक्स एनडीए ऑफिसर्स हैं और इन्हीं के गाइडेंस में आज त्रिशूल सेलेक्शंस दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स इफ यू आर लुकिंग फॉर एनडीए फाउंडेशन कोचिंग इन दिल्ली, नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अभी कॉन्टैक्ट करें। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई हो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेशनल डिफेंस अकेडमी की सही एज क्या है तैयारी करने के लिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद। याद रहे लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन ईस्ट दिल्ली गेट नंबर 3 के सामने त्रिशूल डिफेंस अकेडमी का कैंपस है, जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस अकेडमी।